जय हिंद दोस्तों। एरियर से संबंधित भूतपूर्व सैनिक और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो पीसीडीए द्वारा 16 जून तक एरियर देना है उससे संबंधित रिपोर्ट है। तो बता दें, चैनल में पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भूतपूर्व सैनिक और पेंशनरों के चैनल में मिलते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो एरियर का भुगतान होना है यानी कि जो भूतपूर्व सैनिकों की ओआरओपी का एरियर मिलना है वो मिलेगा 16 जून तक, उसकी लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 16 जून तक लास्ट डेट है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही होगा। तो 16 जून से पहले पहले आपका क्रेडिट हो सकता है। इससे पहले हम बता दें कि ये ट्वीट भी बता देते हैं, जो मेजर जनरल सतवीर सिंह सेना मेडल यानी कि ये हैं चेयरमैन, एक्स सर्विसमैन कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने दिया हुआ है रिवाइज टेबल और पेमेंट एरियर जल्दी से जल्दी जारी किया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो ये अभी 4-5 दिन नहीं, लगभग 8 दिन का टाइम है। तो इन्होंने लगातार 4-5 ट्वीट किए हुए हैं। तो इनका कहना है कि ये 16 जून 2022 लास्ट डेट है, इससे पहले आपको एरियर क्रेडिट करना है और लेटर भी जारी करना है यानी कि टेबल भी जारी करनी है। तो टेबल का मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, कितना एरियर मिल रहा है वो वीडियो भी देख लें, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। आई बटन के थ्रू वो देख सकते हैं किसको कितना मिलेगा। इससे पहले इन्होंने ट्वीट करके कहा है 16 जून तक टेबल और एरियर दोनों जारी करना जरूरी है, 16 जून लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। तो पीसीडीए को इन्होंने लेटर भी दिया था, जो कि लेटर भी इन्होंने ट्वीट करके लास्ट में इसमें दिया हुआ है। इस लेटर में दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 16/3/2022 को दिया था कि 16/3/2022 से 3 महीने तक आपको भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन क्रेडिट करनी है और टेबल भी रिवाइज करनी है। तो वो टेबल और इसकी लास्ट डेट 16 जून है, 16 जून से पहले पहले ये होना है यानी कि 8 दिन का टाइम है। 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो वन रैंक वन पेंशन की एरियर है और पेंशन है वो एक साथ रिवाइज होगा और क्रेडिट भी होगा। तो ये था जो कि कई एक्सर्विसमैन कमेंट कर रहे थे इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।